दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ एलजी के बीच ठनी है, पंजाब की भगवंत मान सरकार भी उसी रास्ते पर आ गई है। मतलब यह कि अब पंजाब में भी काम की जगह सिर्फ राज्यपाल और भगवंत मान के बीच टकराव होगा। असल में केजरीवाल की तरह भगवंत मान भी विश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहे थे, ताकि अपनी गढ़ी हुई ऑपरेशन लोटस की कहानी को जरा धार दी जा सके। लेकिन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सत्र की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पूछ डाला कि विशेष सत्र में ऐसा कौन सा विधायी काम होने वाला है। राज्यपाल के सवाल पर भगवंत मान ठीक वैसे ही बौखलाए जैसे शराब घोटाले में पकड़े जाने के बाद मनीष सिसोदिया उबलते घूम रहे हैं। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि विधानमंडल के किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति एक औपचारिकता है। 75 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने के पहले कभी विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। विधायी कार्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। अब बहुत हो गया। भगवंत मान की इस टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने कहा कि लगता है आपके कानूनी सलाहकार आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, और लगे हाथ बनवारी लाल पुरोहित ने उन सभी कामों की पूरी लिस्ट चिपका दी जो सीएम को करने हैं। असल में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 22 सितंबर को बुलाए गए सत्र की मंजूरी वापस ले ली थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 23 सितंबर को सत्र बुलाने का निर्णय लिया था। सरकार ने राज्यपाल को वीरवार को जो पत्र भेजा था उसमें सत्र में विधायी कामकाज किए जाने के बारे में कहा था, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश के जरिए कहा था कि सरकार बिजली और पराली के मुद्दे पर बहस करवाना चाहती है, लेकिन राजभवन को भेजे पत्र में इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया था। अब भगवंत मान सरकार ने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले इस पर एडवोकेट जनरल की राय मांगी जा रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार की ओर से विश्वास मत लाने का कोई नियम पंजाब विधानसभा की नियमावली में न होना इसमें बड़ी बाधा है, इसीलिए इसका अदालत में टिकना मुश्किल है। विश्वास मत लाने के नियमों के बारे में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि जहां विधानसभा का नियम नियमावली में नहीं होते हैं वहां लोकसभा के नियमों का अनुसरण किया जाता है। लोकसभा की नियमावली में यह नियम है, वहां कई बार सरकार ने ही विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। विधायी मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर दवंदर ने कहा कि रीति का पालन आपात समय में किया जा सकता है, यहां सरकार को क्या ऐसी आपात स्थिति आन पड़ी थी। उनका एक भी विधायक कहीं नहीं गया था, पार्टी के पास 92 विधायक हैं, सरकार को नियमों का उल्लंघन करने की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।